हेलो गाइस, दिस इज मुफीनुल रहमान एंड वेलकम टू जेके स्टडी इन्फो। पहला एमसीक्यू हमें बता रहा है कि विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल स्टूड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनमें से कौन फ्रीडम फाइटर है जो ब्रिटिश के खिलाफ डटा रहा, किसके खिलाफ? पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और नानावती। हमने भी पढ़ा कि लाला लाजपत राय पंजाब में लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे और पूना में, तो वहां पे कौन बचता है? बिपिन चंद्र। करेक्ट आंसर है वो है बिपिन चंद्र पाल। दूसरे एमसीक्यू की बात करें, वो क्या कह रहा है हमसे कि विच ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया कैरीड आउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस टाइम पे ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था, कौन थे उस टाइम पे? वो थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद एक क्वेश्चन, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, मुस्लिम लीग कब फाउंड किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1906। मुस्लिम लीग का आपको पता होगा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या मसला हुआ था कि जो मेजोरिटी मुस्लिम थे वो इस पार्टीशन के साथ थे, जो खासकर मुस्लिम लीडर्स थे जिसमें सलीमुल्लाह अब ढाका वगैरह, नवाब सलीमुल्लाह अब ढाका वगैरह थे, वो इस पार्टीशन के हित में थे, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक चाहते थे कि मेजोरिटी पोर्शन है बंगाल का वो, और वो उनकी जो डिमांड थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, इस वजह से वो जो बंगाल जो पार्टीशन है उसके साथ थे। इसकी वजह से उन्होंने एक लीग बनाई जिसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं, किसमें, किस ईयर में? 1906 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के रिलेटेड इन सब स्टेटमेंट को देखिए और इनमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो है स्वदेशी में क्या, वो जो इंडियन मेड प्रोडक्ट थे या इंडियन क्राफ्ट्समैन जो प्रोडक्ट बनाते थे लोगों को बोलते थे कि वही कंज्यूम करें, जिसकी वजह से वो रिवाइवल हो गया वापस, यानी कि जो वो फिर से खड़े हो गए, जो इंडियन इंडस्ट्री से वो फिर से खड़े हो गए, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी हमने पढ़ा है कि नेशनलाइज करना चाहते हैं एजुकेशन को, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड, बोथ वन एंड टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हो गई? वो आपको पता होगा कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, स्वदेशी मूवमेंट विद रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905। विच आर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। हाँ, जैसे कि अंग्रेजों के हिसाब से वो उन्होंने क्यों बंगाल का पार्टीशन किया था, वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अप हो जाए, तो पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है। दूसरा, ए न्यू प्रोविंस वर कॉन्स्टिट्यूट कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम, भी करेक्ट है, क्योंकि दो बनाए गए थे, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा ईस्ट बंगाल एंड आसाम, तो ये दोनों करेक्ट है। तो सेकंड इसका आंसर जो है करेक्ट है, बोथ वन एंड टू। Who was not associated with the formation of the Muslim League? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है, इनमें से कौन वो लीडर है जो मुस्लिम लीग के फाउंडेशन के साथ जुड़ा नहीं है, कौन है इसमें से? पहला ऑप्शन है आगा खान, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है नवाब सलीमुल्लाह, चौथा है नवाब मोहसिनुल मुल्क। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क ये जो तीन थे, इनकी वजह से जो है ये जो तीन फाउंडर माने जाते हैं किसके, मुस्लिम लीग के। तो कौन बच्चा? मोहम्मद अली जिन्ना। आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उन्होंने फॉर्म नहीं किया था मुस्लिम लीग को, हालांकि मुस्लिम लीग ज्यादा इन्हीं के नाम से ज्यादा जानी गई जो आगे बढ़ के, लेकिन ये इसके मतलब फॉर्मर या जो फाउंडर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम ज्यूरिंग विच इंडियन मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। अभी हमने पढ़ा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट ये बना, सॉन्ग बना वो था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड इन विच ईयर, कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जो है वो जो हुआ है 1905 में जो ऑफिशियली हुआ, लेकिन अब कैंसिल, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद जो है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को, उनको लगा कोई ज्यादा फायदा इससे हुआ नहीं उनको, इस वजह की वजह से 1911 में उन्होंने ये वापस लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड, 1911। हु अमंग द फॉलोड एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया उस एक्ट को उस टाइम पे, मतलब वॉइस राय कौन थे? तो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग, पहला ही
लॉर्ड हार्ड जिसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये था आज के एमसीक्यू गाइस, देयर इज अ हिस्ट्री कोर्स कमिंग ऑन माय ओन चैनल नेमली थवारिक प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वेयर वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल इवेंट्स हिस्ट्री कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री बेसिक टू एडवांस लेवल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। If you are interested, then please subscribe my channel, namely Tawarik. Thank you. Have a nice day.